तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक कमाल का फीचर, या बोल सकते हैं कमाल का हिडन फीचर जो कि सैमसंग गैलेक्सी के लिए। उसका नाम है स्मार्ट कॉल फीचर, या बोल सकते हैं कॉल स्मार्ट फीचर। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का फीचर है, ये कॉलिंग से रिलेटेड फीचर है। ये फीचर दोस्तों ऐसा है कि अगर आपके पास कोई भी फालतू के कॉल्स आते हैं, अनवांटेड कॉल्स आते हैं, एडवर्टाइजमेंट कॉल आते हैं, और बहुत सारे ऐसे कॉल्स होते हैं जिनको आदमी नहीं चाहता कि उठाओ, या बग्स वाले या रिपोर्ट्स वाले कॉल्स आते हैं, तो आप इस फीचर के थ्रू सारे कॉल्स को ब्लॉक कर सकते हैं और उनके कॉल पे नाम पहले ही आपको आ जाएगा ये कौन सा कॉल आपके पास आ रहा है। तो बहुत ही शानदार ये फीचर है। कैसे इसको इनेबल करेंगे और कैसे ये काम करेगा आपके, आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ स्मार्ट कॉल फीचर के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जाना है आपके मोबाइल के फोन डायलर ऐप में या फिर कॉलर ऐप में। वहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा राइट हैंड साइड पे 3 डॉट्स वाला ऑप्शन, आपको उस पर जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जाना है आपको नीचे की तरफ, यहाँ पर मिलेगा आपको ऊपर सेकंड नंबर पे कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन आपको मिलने वाला है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, आपको इसको ऑन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये आपको सजेशन देने वाला है कि यूज हियर टू आइडेंटिफाई स्पैम कॉल एंड स्कैम कॉलर एज वेल एज अदर कॉलर हु आर नॉट योर कॉन्टेक्ट। ये उन नंबर को भी पहचान लेगा जो आपके आपके पास मोबाइल में सेव भी नहीं है, उनको भी डिटेक्ट कर लेगा कि ये स्पैम कॉलर है, स्कैम कॉलर है, या फिर कोई भी ऐसा फ्रॉड कॉल्स है। तो सब आपको डिटेक्ट करके बताने वाला है। यहाँ पर अगर आप प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो उसकी डिटेल भी लिख जाएगी इसमें क्या क्या, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ योर डाटा विल बी प्रोसेस्ड अकॉर्डिंग टू हिया, तो ये हिया के थ्रू काम करने वाला है। यहाँ पर अगर आप स्टॉप करना चाहें तो यहाँ स्टॉप यूजिंग दिस सर्विस भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेन चीज है नीचे की तरफ। तो अब क्या होगा, आप यहाँ पर ब्लॉक स्पैम एंड स्कैम कॉलर्स को कर सकते हैं। बिना आप नंबर को देखे या बिना नंबर को सेव करे आप उसको ऑटोमेटिक नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, बाय डिफॉल्ट ब्लॉक ऑल स्पैम एंड स्कैम्स कॉल का ऑप्शन भी दे दिया गया है और ओनली ब्लॉक एंड हाई रिस्क स्कैम कॉल्स का भी ऑप्शन। आप सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे तो जो भी कॉल्स उनको लगेगा कि यार ये स्पैम कॉल है तो वो ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देगा। तो ये वर्क कैसे करता है वो भी बता दूं। ऊपर आप देखेंगे एक नोटिफिकेशन आ रही है, जैसे ही किसी का कॉल आ रहा है अननोन नंबर से, वो खुद ही बता देगा स्पैम कॉलर है और वो वहां पर उसको हटा देगा। तो जैसे कि मेरे पास अगर कल ही मेरे पास एक कॉल आया था तो आप देख सकते हैं ये उसको लगा कि ये स्पैम कॉल है तो उसने ऑटोमेटिक वहां पर आई वो निशान आ गया, क्वेश्चन मार्क बना हुआ, और उस पर बता दिया सबटेक्ट स्पैम, ये स्पैम कॉल उसको लगा है। और साथ में अगर आप देखेंगे व्यू ऑन हिया, ये हिया के थ्रू किया गया। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक वेबसाइट पर ले जाएगा कि भैया हमने इसके थ्रू इसको डिटेक्ट करा था, hiya.com.product स्मार्ट कॉल, सैमसंग स्मार्ट कॉल प्रोडक्ट के थ्रू हमने इसको देखा है। तो ये सब चीजें ऐसे ही होते हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता है कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके पास आपके पास कॉल आएगा तो उसका नाम भी पहले आ जाएगा, नॉर्मल कॉल भी वो देख रहे हो जैसे ऐसा दिखा है ना, ये ऐसा नाम ऐसा भी वो आ जाता है, रिपोर्ट सस्पेक्टेड स्पैम ये ऐसा आपको दिखेगा, सेम ऐसा ही आता है पोटेंशियल फ्रॉड। ये मेरे पास सारे एक्टिविटी हो चुकी है और सारे कॉल्स ऐसे ही दिखते हैं। तो बहुत ही शानदार ये वाला फीचर है, आप इसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो इसको सिंपली आपको ऐसे यूज करना है और जैसे ही कोई आएगा तो आपको व्यू ऑन हिया के नाम से ये दिखाएगा। और भी कॉल्स होंगे तो मैं और दिखाता हूं आपको, एक मिनट। आप देख सकते हैं मेरे पास कितने ज्यादा यहां पर कॉल आए हैं, सस्पेक्टेड स्पैम आप देख रहे होंगे कितने सारे कॉल आए, सब अलग अलग नंबर्स हैं तब भी उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है। और वहां पर आपको नीचे एक निशान बना मिल जाएगा स्मार्ट, मतलब कि स्मार्ट कॉल प्रोटेक्टर ने स्मार्ट कॉल उसने इसको ट्रेस कर लिया, फिर बोल सके स्मार्ट कॉल ने इसको पहचान लिया कि ये फ्रॉड कॉल है या फिर स्पैम या स्कैम कॉल है। तो आपको पहले से ही अलर्ट कर देगा, आप चाहे तो उसको उठाए नहीं, और अगर आपने ऑल ब्लॉक पे क्लिक कर दिया तो ऑटोमेटिक इस पर रिंग ही नहीं आएगी और ब्लॉक में कॉल चले जाएंगे। तो ये ऐसा वर्क करता है, बहुत ही शानदार ऑप्शन है यार भाई, मुझे तो रियल में बहुत शानदार पसंद आया। आपको सिंपली यहाँ जाना है कॉलर एंड आईडी स्पैम में और आपको यहाँ पर इसको ऑन कर लेना है। अगर आप इसको ब्लॉक नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप सर्विस को ऑन करेंगे तो भी आपको वहां पर नाम तो पूरे ही बताने वाला है। अगर आप इसको ऑन कर लेंगे तो जो भी कॉल्स उसको लगते हैं वो ऑटोमेटिक ब्लॉक कर सकता है। दोस्तों यही कमाल का फीचर था, मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये फीचर आपको पहले से पता था या नहीं था, पता था तो आप इसको यूज करते थे या नहीं करते थे।
तो थैंक यू दोस्तों। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो या फिर मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जैसे मैं नई वीडियो आपको सबसे पहले अपडेट मिले। और हो सके तो यार मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।